बच्चों, अब दोनों मित्रों को जब इंटरनेट के बारे में इतनी सारी जानकारी मिल गई तो वो क्या है, कैफ़े से बाहर आ जाते हैं। अब दामू का सोमू से अपने गांव में साइबर कैफ़े खोलने का विचार रखना। अब क्या है, दामू कहता है सोमू से, अपने मित्र से, कि क्यों ना हम भी अपने गांव में क्या है, साइबर कैफ़े खोलें। ठीक है, तो उसने कहा भाई वाह, यह तो बड़े काम की चीज़ है, यह तो बहुत अच्छा विचार है। ठीक है, तो अब आपस में दोनों मित्र बात करते हैं कि हम साइबर कैफ़े कैसे खोल सकते हैं। सोमू, दामू ने कहा कि हम साइबर कैफ़े कैसे खोल सकते हैं, हमें तो कंप्यूटर और इंटरनेट की कोई जानकारी नहीं है, हम तो इसके बारे में पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ठीक है, हम कैसे इसको खोलेंगे। तो उसके मित्र ने कहा कि अरे, अपने मनोहर काका का बेटा मनोज है ना, हमारे गाँव का जो मनोहर काका है, हमारे गांव के मनोहर काका है ना, उनका बेटा क्या, कौन है, मनोज, उसको क्या है, साइबर कैफ़े में काफ़ी जानकारी है, क्योंकि उसने कंप्यूटर कोर्स करके वो शहर से गांव आया है, वो अभी अभी क्या है, कंप्यूटर कोर्स करके शहर से गांव आया है, तो उसे हम अपने कैफ़े में नौकरी पर रख लेंगे, उसे हम क्या, अपने कैफ़े में रख लेंगे नौकरी पर। ठीक है, तो उसे अपने कैफ़े में रख लेंगे, तुम चिंता मत करो, आज के ज़माने में गांव में भी क्या है, साइबर कैफ़े तो होना ही चाहिए। ठीक है, कि आज के समय में आज लोग इतने एडवांस हो गए हैं, घर बैठे सारा काम इंटरनेट पे कर रहे हैं, तो हमारे गांव में भी तो साइबर कैफ़े होना चाहिए ना। ठीक है, तो सोमू और दामू का गांव वालों को इंटरनेट के बारे में सुविधा के बारे में बताना, सोमू और दामू द्वारा गांव वालों को इंटरनेट की सुविधा के बारे में बताना। ठीक है बच्चों, अब सोमू और दामू सारे गांव वालों को आपस में क्या इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, भाइयों और बहनों, हम अपने गांव में साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं, जहां सभी को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी। हम अपने गांव में क्या है, एक साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं, जहां पर सभी को क्या है, इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, इंटरनेट पर दुनिया भर की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा, हाँ भाइयों, आज संचार तकनीक ने जब इतनी प्रगति कर ली है, तो ज्ञान की दौड़ में हमारा गांव पीछे क्यों रह जाए। तो सोमू और दामू ने कहा कि बताओ भाइयों, आज संचार तकनीक ने इतनी ज़्यादा प्रगति कर ली है, प्रगति क्या होता है, विकास, तो इस ज्ञान की दौड़ में हमारा गांव पीछे क्यों रह जाए, क्या आप सभी हमारा साथ देंगे। ठीक है, तो गाँव वालों का सहमति देना, तो गाँव वालों ने भी कहा हाँ, हम क्या है, आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम कल से ही काम शुरू कर देंगे, हम कल से ही काम शुरू कर देंगे, मेरे घर के पास जो ज़मीन खाली है, उसी पर क्या है, कैफ़े बना देंगे, मेरे घर के पास क्या है, ज़मीन खाली है, उसी पर हम क्या है, कैफ़े बना देंगे। ठीक है, मैं कल कंप्यूटर खरीदने के लिए बैंक से लोन की अर्जी दे दूँगा, मैं कंप्यूटर खरीदने के लिए बैंक से लोन की अर्जी दे दूंगा। अर्जी क्या होता है, आवेदन पत्र, और लोन का अर्थ होता है कर्जा लेना, कर्ज, हम बैंक से कर्ज लेते हैं ना, लोन लेते हैं, और अर्जी होता है आवेदन पत्र। तो मैं कल ही जाकर शहर जाऊंगा और बैंक से क्या है, लोन की अर्जी दे दूंगा, आप सब भी अपने अपने काम में लग जाइए। ठीक है, अब क्या है, देखते ही देखते कुछ दिनों में कमरे बनकर तैयार हो गए। सबसे पहले तो क्या है, कमरे बनाने होते हैं ना, सबसे पहले क्या, देखते देखते कमरे बनकर तैयार हो गए। अब क्या, बढ़ई कौन होता है, कारपेंटर, जो क्या है, ये फर्नीचर बनाता है। ठीक है, बढ़ई ने मेज़, कुर्सियाँ, अलमारी आदि बना दी। ठीक है, सारे फर्नीचर तैयार कर दिया। अब क्या है, साइबर कैफ़े के लिए बढ़ई ने मेज़, कुर्सियाँ, अलमारी आदि सारा फर्नीचर क्या है, तैयार कर दिया। ठीक है, अब मनोज ने न केवल इंटरनेट कनेक्शन का प्रबंध किया, अब मनोज कौन था, मनोहर काका का बेटा, अब उसने सबसे पहले तो इंटरनेट कनेक्शन का प्रबंध किया, उसने इंटरनेट कनेक्शन का प्रबंध ही नहीं किया, बल्कि उसने साइबर कैफ़े को अपनी सेवाएं देना भी स्वीकार कर लिया, उसने हाँ कर दिया कि हाँ, मैं साइबर कैफ़े में क्या है, अपनी सेवाएँ दूँगा, मैं यहाँ पर क्या है, जॉब करूँगा, सर्विस करूँगा। अब देखते ही देखते गाँव में साइबर कैफ़े खुल गया, अब देखते ही देखते गांव में साइबर कैफ़े खुल गया, अब इसका नाम रखा गया सबका साइबर कैफ़े, अब इसका नाम रखा गया सबका साइबर कैफ़े। अब कैसे बच्चों,
सोमू और दामू दोनों मित्र कहाँ गए थे? शहर में सैर सपाटा करने गए थे। और वहाँ उन्होंने क्या देखा? एक बोर्ड देखा जिस पर साइबर कैफ़े लिखा था। और अंदर के उन्होंने सोचा कोई खाने पीने की चीज़ है, तो उन्होंने खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर की। तो दुकान के मालिक ने उन्हें बताया कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं है, यह तो इंटरनेट है, यहाँ पे आप कोई भी इंटरनेट का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इंटरनेट की जानकारी ली और गांव में आए। और अपने गांव में क्या है, उन्होंने साइबर कैफ़े खोलने का विचार रखा। गांव वालों को भी उन्होंने समझाया और गांव वालों ने भी सहमति जता दी। उन्होंने भी कहा कि आज तकनीकी का युग है, तो हमारे गांव में भी क्या है, संचार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, हमारे गांव में भी इंटरनेट होना चाहिए। तो उन्होंने मनोहर काका के बेटे मनोज को क्या इस काम के लिए लगाया। और उन्होंने क्या किया, ज़मीन पर दुकान सबसे पहले क्या कमरे बनाए साइबर कैफ़े खोलने के लिए। कमरे बनाने के बाद उन्होंने बढ़ई से फर्नीचर बनवाया, फर्नीचर सब कुछ तैयार हो गया। तो मनोहर काका के बेटे मनोज ने क्या इंटरनेट कनेक्शन का प्रबंध किया और अपनी सेवाएं भी देना स्वीकार कर दिया। और देखते ही देखते क्या है, गांव में साइबर कैफ़े खुल गया और इसका नाम क्या रखा, सबका साइबर कैफ़े, सबका साइबर कैफ़े। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा।